तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आ रहे। अभी अब्दुल भाई को फोन करके पूछिए बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ। हाँ अब्दुल, पता चला बच्चे कौन से पते पे जा रहे हैं? पते का पता नहीं चला, लेकिन मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, वो बहुत तेज तेज चल रहे हैं। हाँ तेज तेज तो चलेंगे ही ना, पैसे देने का टाइम जो हो गया है। हाँ अब्दुल, अपनी आंखों से बच्चों को ओझल मत होने देना, और हाँ तुम भी बच्चों को ना दिखे ऐसे ही चलना। मैं संभाल लूंगा, मैं भी फोन रखूँ, नहीं तो मैं उनका पीछा नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अपडेट देते रहना बस। ठीक है मेरे भाई। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। माधवी, अगर देना ही है ना तो चुल्लू भर पानी दो मुझे, ताकि मैं उसमें डूब जाऊं। इस उन्होंने टप्पू सेना के साथ मिलकर जो किया है ना, उसके बाद मेरे पास सिर्फ वही एक रास्ता बचा है। मास्टर, तुम कौन से रास्ते की बात कर रहे हो? अरे हाथी भाई, आप समोसे लेकर आ गए? हाँ, वो तुमने कहा ना कि मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तो मैं समोसे साथ में लेकर आ गया। माधवी भाभी, क्या सीरियस मैटर है? वो क्या है, बच्चों से मतलब टप्पू सेना से गलती हो गई है। गलती तो मुझसे भी हो गई है। आपसे क्या गलती हो जाती भाई? वो मैं समोसे के साथ चटनी लाना भूल गया। सॉरी। हाँ बीडी मास्टर, बच्चों से क्या गलती हो गई है? हाँ। अरे गलती नहीं की है उन्होंने, पाप किया है, घोर पाप किया है। घोर पाप? पर पिडू, वो इस बार टप्पू सेना ने क्या किया? अरे क्या नहीं किया वो पूछो। अच्छा, क्या नहीं किया टप्पू सेना ने? आहो जेठा भाई को आ जाने दीजिए, फिर सबको एक साथ बताना। इतना सस्पेंस? ओए पिडू, गल की है। पटौनी बाबा, मने तो घनी टेंशन थाई रहे छे। हाँ बताइए ना भिड़े भाई प्लीज, टेंशन के मारे मेरी हार्ट बीट्स बढ़ रही है। सही बात है, मैं बताता हूँ, जेठा को आ जाने दो, मैं बताता हूँ। पिड़ू, और तेनू तो पता है ना जेठा पर हमेशा लेट आते, तो तू सानू दस। नहीं नहीं, उसको इस बार ऐसा इंजेक्शन दिया है कि दौड़ता हुआ आएगा। हे मास्टर, तुमने इंजेक्शन दिया? अरे मेरा मतलब है उसको ऐसी गोली दी है कि वो दौड़ता हुआ आएगा। अरे तुम गोली भी कैसे दे सकते हो, तुम क्या डॉक्टर हो? अरे हाथी भाई, मेरा मतलब है उसको बहाने से यहाँ पे बुलाया है, वो अभी आता ही होगा। ओहो ऐसे, अच्छा। अब पर जेठा भाई है कि डर? भीड़ को फोन करके बोल देता हूँ पार्सल वाले को नीचे कंपाउंड में भेज दे, तो क्या है कि फटाफट पार्सल चेक करके घर पे रख के इसी रिक्शा में वापस दुकान जा सकता हूँ। हाँ बोलो जेठा, पहुंच गए तुम? मैं अपना ये पाउडर गली के नाके तक तो आ गया हूँ, 2 मिनट में बस पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, वो पार्सल वाले को नीचे कंपाउंड में भेज देना जरा। हैं? अरे क्या तू आज हैं बहुत कर रहा है भाई, कान में कोई तकलीफ हो गई है क्या? नहीं नहीं, वो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था, वो पार्सल वाले, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ तो पार्सल वाले को जरा कंपाउंड में भेज देना। वो नहीं आ सकता। क्यों? वो अप्लाई इतने ये कर रहा है। क्या कर रहा है? चाय नाश्ता कर रहा है। अच्छा, अभी तुम आ जाओ ऊपर भाई, अभी 2 मिनट तो लगेंगे। ठीक है चल आता हूँ। ठीक हाँ, अरे जीठा आ रहे। बस। एक 2 मिनट रुकना, मैं यूं गया यूं आया। नहीं नहीं साहब, मैं रुक नहीं सकता। नहीं नहीं, हम जहाँ से आए वापस वहीं जाना है। लेकिन मुझे नहीं जाना है साहब। क्यों? वो क्या है, मेरा ससुराल पास में ही है, तो साले को कुछ पैसे उधार दिए थे, तो आज लौटाने का वादा किया है, तो वही लेने जाना है। वाह,
तुम्हारा साला बहुत अच्छा आदमी लगता है, मुबारक हो। नहीं नहीं फिर तो तुरंत जाओ भाई, चलो थैंक यू। हाँ भीड़े, अरे आप सब भी हैं? ओ हाँ जी, वो पीड़ू ने मुझे अर्जेंटली फोन करके बुलाया। मुझे भी? हाँ। इसलिए मैं गैराज के कपड़ों में ही आ गया। आप लोगों का भी लंदन से पार्सल आया है? और पीड़ू, अब ये लंदन के पार्सल का क्या सियाप्पा है? अरे मैं अभी गोडाउन में था ना, तो भीड़ा का मुझे फोन आया कि मेरे लिए किसी ने लंदन से पार्सल भेजा है, और ये पार्सल वाला इतना स्टिक है कि जिसके नाम का पार्सल है उसको ही वो डिलीवरी देगा। तो फिर मुझे सब काम धंधा छोड़ के इधर आना पड़ा। चल कहाँ है पार्सल वाला? चाय नाश्ता करके हाथ पाथ धोने गया क्या अंदर? बुला उसको जल्दी, मुझे जाना है वापस। जेठालाल, ना ही तुम्हारा लंदन से कोई पार्सल आया है, ना ही कोई यहाँ पे पार्सल वाला आया है। क्या? अरे पर तूने तो मेरी बात कराई ना फोन में पार्सल वाले से, तो वो कौन था? तुम ही हो तो। मतलब तूने झूठ बोल के मुझे यहाँ बुलाया? हाँ। क्यों? तुम्हारे टप्पो की वजह से। अरे गजब का जिद्दी हो गया तू भिड़े। मैंने तुझे बोला था ना कि रात को दुकान से आके टप्पो की जो भी शिकायत होगी मैं सुन लूंगा, फिर भी तूने मुझे झूठ बोल के यहाँ बुलाया। जेठा भाई, अब आ ही गए तो भिड़े मास्टर की बात सुन लो ना, भिड़े मास्टर का भी मन हल्का हो जाएगा। भिड़े मास्टर बोलो। चल बोल भाई बोल, क्या शरारत की टप्पू ने? बोल। नहीं टप्पू ने इस बार शरारत नहीं की है। अरे तो क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि टप्पू भी बड़ा हो गया है ना, तो उसने शरारत नहीं की है, उसने कांड किया है। कांड? वो एक मिनट पीड़ू, अगर तुझे या टप्पू की शिकायत जेठापुरा से करनी थी तो मुझे और हाथीपुरा को क्यों बुलाया? आश्चर्य। क्योंकि टप्पू की इस कांड में पूरी टप्पू सेना भी शामिल है। क्या? What? हाँ। क्या कांड किया टप्पू सेना ने? हाँ क्या कांड किया? मेरा 35,000 का बेरर चेक टप्पू सेना ने घुमा दिया। What? मतलब कि तेरे खाते में से किसी ने 35,000 निकाल लिए? तो भिड़ू हम तीनों 12,000 रुपए दे देंगे। हाँ सही बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, मुझे मेरा चेक वापस मिल गया। अरे तो फिर कांड क्या हुआ है? माधवी भाभी पूरी बात बताइए ना, क्या हुआ है? काजल, हमारे रमाकांत काका है ना, उनको अर्जेंट में 35,000 रुपए चाहिए थे, और नेम के आज हम लोग दोनों ही बिजी थे, मतलब मेरा अचार पापड़ का ऑर्डर था और इनका ऑनलाइन क्लास, तो हम लोगों ने सोनू को बोला कि बड़ा जा बैंक में जाके चेक लेके जा और पैसे निकाल के ला, तो उसके साथ टप्पू सेना भी गई। तो बैंक जाने से पहले टप्पू सेना से चेक खाऊ गली के कहीं एरिया में गिर गया। गिर गया? हाँ। मतलब बच्चों ने चेक घुमा दिया? नहीं, चेक मिला है, क्या है जीएमसी ऑफिसर चंद्रकांत जी है, तो उनको रास्ते में चेक मिला, तो उन्होंने इनको फोन करके बोला कि मेरे पास चेक है, तो इन्होंने अब्दुल भाई को भेजा चेक कलेक्ट करने के लिए, और अब्दुल भाई को बोला कि ये बैंक में जाके पैसे निकल के लाए। पीड़ू हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व, तो इसमें तू अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है? और कांड क्या किया टप्पू सेना ने इसमें? बताता हूँ सुनो। जीएमसी ऑफिसर चंद्रकांत जी का फोन आने के बाद मैंने सोनू को फोन लगाया, तो टप्पू सेना फोन पर आई और मुझे बोला कि वो लोग बैंक में ही हैं, पैसे निकाल रहे हैं, ऐसा झूठ बोला टप्पू सेना ने। ये कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद बच्चे घर पे आए ना, तो भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं थे, पैसे के बारे में इतना झूठ बोल रहे थे, हमें बोला कि बैंक से जो पैसे मिले हैं ना वो सब नोट फटे हुए हैं,
तो हम लोगों ने गोली और पिंकू को बैंक में भेजा है पैसे चेंज करने के लिए, जबकि वो दोनों सोसाइटी में ही थे। ओ, इसीलिए गोगी ने मुझे फोन किया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि 27,000 रुपए दो और इलाज करवा दो। हाँ, गोली का भी मुझे फोन आया था। मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है। हाँ? टप्पू ने भी मुझे पैसों के लिए फोन किया था। पापा, अब 27,000 मतलब रुपए ही हो ना। हाँ, मैंने बोला था ना माधवी, बच्चे भी पैसों का जुगाड़ कर रहे होंगे, उसी के लिए पेरेंट्स को फोन किया उन्होंने। लेकिन बच्चे जानते नहीं कि सच में जान चुका हूँ और अभी आप लोग भी जान चुके हैं। ओए पिडू, जब तेनु सच पता सी तो तूने बच्चों को रोका क्यों नहीं? सोड़ी, मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे किस हद तक जाते अपने झूठ को निभाने के लिए। अरे तेरे हद जानने के चक्कर में उनसे कोई गलत काम हो गया तो बराबर। हाँ, सही बात है। क्या कर रहा है भिड़े तू? उनको रोकना चाहिए था। बराबर है, मुझे रोकना चाहिए था। मुझे सोनू को बचपन में ही टप्पू से दोस्ती करने से रोकना चाहिए था। कम से कम आधे दिन तो देखना पड़ता। ये भाई क्या बोल रहा है तू? क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है कि टप्पू भी अपने जैसे मेरी सोनू को बनाना चाहता है। अरे सोनू को क्या, सभी बच्चों को बनाना चाहता है। एक नंबर का झूठा है वो, सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है वो। अरे बेवकूफ, तू क्या बोल रहा है? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग जो कुछ कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी गलती की वजह से तेरा चेक गुम हो गया और चेक गुम हो जाने की वजह से तेरा नुकसान हो गया, तो कैसे भी करके हम लोग पैसे जमा करें और वो पैसे तुझे दे। लेकिन नहीं, तू तो बैठा इधर, देखते हैं कितनी हद तक जाते हैं। अरे क्या बेड़ा बेड़ा साले इसके, तू कमाल है जेठालाल, सीरियसली कमाल है। हां, इसमें तो मेरी गलती निकाल रहे हो। हां, मैंने बोला था चेक घुमाने के लिए। अरे घुमा तो घुमा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आके सच तो बोलना चाहिए ना। झूठ पे झूठ बोल रहे, झूठ पे झूठ बोल रहे, और किसकी वजह से? टप्पू की वजह से। टप्पू ही सबको बिगाड़ रहा है। मेरा टप्पू सब बच्चों को बिगाड़ रहा है? तो सब बच्चे क्या दूध पीते बच्चे हैं जो बिगाड़ रहे हैं? वो लोग भी तो सच बोल सकते थे ना, क्यों नहीं बोला सच? संगत का असर ना, बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। आज तुम्हारे टप्पू की वजह से मेरी मासूम सी भोली सी सोनू अपने आई बाबा के आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही है। कोई कुछ भी करे, तेरे लिए तो दोषी मेरा टप्पू ही है ना। हाँ, टप्पू ही है दोषी। आप बात कीजिए जेठा भाई, आप भी प्लीज शांत हो जाइए ना। देखिए ये गुस्से में है ना, इसलिए इतना सब बोल रहे हैं। गुस्से में इसका मतलब ये थोड़ी है माधवी बाबे की, है मेरा टप्पू के बारे में जो मन में आए वो बोले। एक बाप की भी एक लिमिट होती है ना अपने बेटे की बुराई सुनने की। बरोबर है जेठा भाई, आपकी सब बात बरोबर है, पर क्या है सुबह से बच्चे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं ना, तो इसलिए ये बहुत गुस्सा हो रहे हैं। ये सॉरी बोलेंगे आपको। सॉरी बोला मी? हम बोला ना सॉरी। सॉरी जेठा। और देखिए, सिर्फ टप्पू की गलती नहीं है, पूरी टप्पू सेना की गलती है, इसलिए गलती की सजा पूरी टप्पू सेना को ही मिलनी चाहिए। हमारे संस्कारों की लक्ष्मण रेखा पार की है बच्चों ने, आज जानबूझकर झूठ बोला है हमसे। तो सबको एक साथ बुला के सजा दे। ओ हाँ हतिप्रा, वो सजा तो पूरी टप्पू सेना को मिलनी चाहिए। तो बुलाओ सारे नु, और अभी सीधा करता हूँ। लेकिन इस वक्त टप्पू सेना है कहाँ? अरे ये बच्चे उस दुकान पे क्यों जा रहे? कोई कीमती चीज गिरवी रख के ब्याज पे पैसे तो नहीं उठा रहे? टेंशन की बात है, भिड़े भाई को बताना पड़ेगा। अब्दुल का फोन। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, वो टप्पू से ना एक दुकान के अंदर गई है। कैसी दुकान? उस दुकान पे ऐसा लिखा है कि कोई भी कीमती चीज गिरवी रख के ब्याज पे पैसा मिलता है। आते? हाँ भिड़े भाई, बच्चे अभी भी दुकान में गए। अच्छा ठीक है, तुम नजर रखना और बाद में बताना क्या होता है। हाँ हाँ ठीक है। क्या बोला अब्दुल ने, कहाँ गए वो लोग? अब्दुल ने बताया कि टप्पू सेना किसी दुकान में गई है, जिस दुकान पे लिखा था कि यहाँ पे कीमती चीजें गिरवी रख के पैसे दिए जाते हैं। वो गिरवी में रखने क्या गए? हो ना हो सोड़ी, वो चीज जरूर कोई कीमती चीज ही होगी।
अंकल, मैंने अभी आपको फोन किया था ना टप्पू, और ये टप्पू से ना लाइए लैपटॉप दीजिए। इसका चार्जर तो है ना? सब बैग में। इसका बिल कहाँ है? वो भी बैग में। वैसे काफी महंगा लैपटॉप है। 1.5 लाख का है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया था। ओ, अच्छा। अरे वाह गुली बेटा, जब से नया लैपटॉप दिया है बड़ा दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो। ऑब्वियसली पापा, ने इतने कॉम्प्रोमाइजेस करके मुझे लैपटॉप दिलाया है। देखना, इस लैपटॉप पे पढ़ के मैं आप दोनों के सारे सपने पूरे करूंगा। वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। या इवन आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। हंस, गोली अपनी चीजों की केयर लेता है, लेकिन इस लैपटॉप की कुछ ज्यादा ही केयर ले रहा है। ऑब्वियसली मम्मा, इस लैपटॉप की केयर करना, इसे संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी। अंकल, एक मिनट लैपटॉप दीजिए ना प्लीज। देखो भाई, इस लैपटॉप को गिरवी रख के पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इस पैसे को 3,000 रुपए ब्याज के साथ तुम्हें लौटाना पड़ेगा, और अगर टाइम पे पैसे नहीं लौटाए तो ये लैपटॉप मेरा। मंजूर है तो बोलो। अबे सोच क्या रहे हो, पैसे नहीं चाहिए क्या? लाओ भाई लैपटॉप तो दो। गोली, तू दिल छोटा मत करा, हम एक हफ्ते में तेरा लैपटॉप यहाँ से छुड़ा लेंगे। हाँ हाँ गोली, तू टेंशन मत ले यार, साइन कर दीजिए। टप्पू सेना से ऐसी उम्मीद नहीं थी, गोकुल धाम वालों का विश्वास और दिल दोनों तोड़ दिया। भिड़े भाई को फोन करके बताना ही पड़ेगा। इतना झूठ, वो गलत है यारो, वो अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ बोल अब्दुल। भेड़े भाई, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। क्या नहीं होना चाहिए था? जो नहीं सोचा था वो हो गया। अरे क्या नहीं सोचा था? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अब्दुल तुम बार बार वही बोल रहे हो। एक मिनट, काम करो, गहरी सांस लो और फिर बोलो कि हुआ क्या। टप्पू सेना ने लैपटॉप गिरवी रखकर ब्याज में पैसे उठा लिए। वो क्या कह रहा है अब्दुल, हमें भी तो बता। सुनो सभी सुनो, अब्दुल जो बोला दोबारा बोलना। जो नहीं होना चाहिए था। मेन बात बोलो। टप्पू सेना ने लैपटॉप गिरवी रख के ब्याज पे पैसे उठा लिए। लैपटॉप? मैंने अभी देखा, गोली ने लैपटॉप देके पैसे ले लिए। वो गोली का लैपटॉप होगा। वो इतना महंगा लैपटॉप गिरवी कैसे रख सकता है? दोस्तों जिसका डर था वही हुआ।
आखिरकार बच्चों ने लैपटॉप गिरवी रख दिया और पैसे उधार ले लिए और अब्दुल ने बात भिड़े को बता दी और यही बात पता चल गई है डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी को और उनके पैरों तले जमीन खिसक पाई पाई जोड़ के मेहनत करके परिश्रम करके उन्होंने लैपटॉप दिलवाया था गोली को और गोली ने उनकी भावनाओं की जरा सी भी कद्र नहीं। बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूं कि माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना त्याग करते हैं, खुद के लिए खर्च नहीं करते लेकिन आपके लिए जोड़ते हैं क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं ये चीज और गलती कर बैठते हैं वैसी गलती जैसी टप्पू सेना ने और भिड़े को ये बात दिल पर लग गई। भिड़े ने शिक्षा दी सच बोलने की बच्चों को और वही बच्चे झूठ बोले तो एक गुरु को कितना दुख होगा। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो गुरु सजा देता है, बच्चे जब फेल होते हैं तो गुरु सजा देता है, लेकिन यहाँ तो बच्चों के साथ गुरु भी अनुत्तीर्ण हो गया तो अब गुरु अपने आप को क्या सजा देंगे ये जानने के लिए देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।